विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन के तत्वाधान में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन चेतना तिराहे पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त मंत्री पुष्पदन जैन ने किया। इस अवसर पर मानवाधिकार संगठन के द्वारा लॉकडाउन के समय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र, मास्क, सैनिटाइजर व ठंड से बचने के लिए कंबल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन के महानगर अध्यक्ष राजेश पांडे, महासचिव पन्नेलाल यादव, प्रदेश प्रवक्ता शिवेंद्र पांडे, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद खालिद, जिला मंत्री जिया फरमान, योगेंद्र साहनी सहित संगठन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त मंत्री पुष्पदन जैन ने कहा, विश्व मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तरह के कार्यक्रम करता आ रहा है, आज इसी क्रम में वार्ड में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान एकत्रित होकर संगठन के तमाम लोग रह रहे और हमारे आज ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन जो है ये 1993 में आयोजित हुआ था। इसमें सरकार ने सब लोगों के अधिकारों को, आम जनता के अधिकारों को, उनकी उनको मिले, उनका अधिकार मिले, इसके लिए यह संगठन कार्य कर रही है और आम जनता को ये बताती है कि आपका क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। और यह संगठन हर वर्ष एक अच्छे कार्य करती है, जैसे इस वर्ष इन्होंने जो सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के, कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने, आम जनता निकलती नहीं थी घरों से, लेकिन आम सफाई कर्मचारी घरों से निकल करके और किस तरह से शहर को स्वच्छ रखे और अच्छा कार्य किए, उनको आज सम्मानित किया गया है इस संगठन द्वारा। इसके पन्नेलाल जी संस्थापक सचिव हैं, श्री बी एन शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और मोहम्मद रज्जी जी वो जिलाध्यक्ष हैं। इन लोगों के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आज सैनिटाइजर बांटा गया, भोजन दिया गया, कंबल दिया गया इन सफाई कर्मचारियों को। यह बहुत पुनीत कार्य है और आगे भी, मतलब अभी इसी तरह से कार्य और भी होंगे। आम जनता को जागरूक करते हैं कि उनका क्या अधिकार है। इसी उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। यह 10 दिसंबर को हर साल होता है। मैं इसकी शुभकामना करता हूँ और इन लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सबको भी बहुत बधाई देता हूँ कि पुनीत कार्य में हर आदमी को आगे आना चाहिए और सेवा के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। सेवा ही पुनीत कार्य है और सेवा से आदमी हमेशा सुखी रहता है, तो ऐसी भावना हर आदमी के अंदर रहनी चाहिए। धन्यवाद।